अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल होने जा रही है क्रेडिट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, और क्रेडिट कॉलेज कौन से की उसके एंट्री टेस्ट का ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। आपके एंट्री टेस्ट के अंदर मेरे पास एक पास्ट पेपर पड़ा हुआ है क्रेडिट कॉलेज का, ठीक है, क्रेडिट कॉलेज, और ये है 2021 का, ठीक है, क्लास 8 के लिए जो लोग एंट्री टेस्ट देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने देखा है दो तीन पास्ट पेपर के अंदर आया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। एक इक्वेशन दी गई होती है जिसमें से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर सॉल्व करना है। इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट के ऊपर वीडियोस बनाऊं, जिससे स्टूडेंट्स की बड़ी हेल्प हो जाती है कि वो तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, तो आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हम एंट्री टेस्ट में इस क्वेश्चन के अंदर हमें डाउट है। आप स्क्रीनशॉट लें और मुझे मैसेंजर पर सेंड करें, व्हाट्सएप पे करें, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह हमारा एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एक प्लेलिस्ट बन जाएगी कैडेट कॉलेज की, ठीक है। तो जो जो स्टूडेंट्स इसके अंदर उनको क्वेश्चंस की समझ नहीं आती, किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है, तो आप लाजमी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये भी उस तरह के क्वेश्चन है। और बताइए कि कौन कौन सा स्टूडेंट्स कैडेट कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह फिर मैं मजीद कॉन्टेंट भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो जिसमें मैं समझाऊंगा आप लोगों के कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे पास पास्ट पेपर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो सेक्शन है हमारे पास 8 नंबर का, ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट भी कह सकते हैं क्योंकि जो नीचे क्वेश्चन है वो 10-10 नंबर के, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो 8 मार्क्स अगर आप लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं तो आप इसमें से मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि अगर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया कि ये ठीक किया कि गलत किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्स के अंदर आपने वो वैल्यू पुट करनी है, तो आप लोग पेपर के अंदर वैल्यू भी चेक कर सकते हैं मेरा क्वेश्चन ठीक है या गलत, ठीक है, वो भी समझाऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो बहुत ही आसान है सॉल्व करना, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे, और ये वीडियो बनाने का मकसद स्पेशली कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो ये क्या करें कि अपने जो कुलीग्स हैं, अपने जो क्लास फेलोज हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी तैयारी करें। और आप लोगों ने लाजमी बताना है कि मैं और कैडेट कॉलेज पे वीडियोज बनाऊँ कि ना बनाऊँ, ठीक है। तो समझते हैं, ठीक है, ये जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं की, लीनियर इक्वेशन ये उसी की एक मिसाल है, लीनियर इक्वेशन ही है ये हमारे पास, ठीक है। लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास ये जो वेरिएबल इसकी पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पे भी मुझे वेरिएबल की पावर 1 नजर आ रही है एक्स, तो हम लोगों ने जस्ट इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और हम लोगों ने आंसर बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बोर्ड मास के बारे में बता दूं, ताकि बोर्ड मास आप लोगों को आ जाए, ठीक है। अब बोर्ड मास का मतलब ये है कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि आप लोगों के पास मैथमेटिक्स की इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड है। आप मतलब पहले एडिशन नहीं कर सकते, पहले सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर मल्टीप्लीकेशन हो। मसलन मैं कहता हूँ कि 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 प्लस 1, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे इनका जो आंसर आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उनका जो आंसर आएगा, फिर प्लस करेंगे, और अगर माइनस का साइन होता तो फिर सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ये नहीं कि लास्ट से शुरू करें एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है। आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर ऑर्डर करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होगी लेकिन कुछ को नहीं होगी, तो उनके लिए मैं ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये इक्वेशन भी सेम लाइक एज इट इज है कि हम लोगों ने बोर्ड मास को जहन में रखना है और बोर्ड मास के उसको रूल को फॉलो करते हैं हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमारा काम है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है। अगर ब्रैकेट सॉल्व होती है, मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स प्लस 2 3 प्लस 2 आ जाए, तो हम इसको एक्स प्लस 5 मतलब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। बट अब ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि एक्स और कॉन्स्टेंट नंबर कभी भी प्लस नहीं होता, ठीक है। कहने का मकसद कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल ये प्लस नहीं हो सकते या माइनस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन प्लस और माइनस नहीं हो सकते। कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं, जिसके साथ एक्स नहीं है वेरिएबल, वो जिसके साथ वेरिएबल, मतलब ये वेरिएबल इन्वॉल्व है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आते हैं, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जिस भी टर्म के नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 मौजूद होता है। जिसकी पावर में कुछ नहीं हो तो उसकी पावर में 1 होता है, जिसके साइड में कुछ नहीं होता तो उसकी साइड में भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हमारे पास है एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये क्या है कि ये एक्स माइनस 3 1 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होने के बाद वही आता है, ठीक है। इसी तरह 4x-3 भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x-3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 बाई 2। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी
इस स्टेप को हम लोगों ने कैसे सिंप्लीफाई किया, ठीक है। हमने जस्ट क्या किया, इस ब्रैकेट वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट को खत्म कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी वो सिंप्लीफाई नहीं हो रही थी, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद जस्ट क्या करना है, हम लोगों ने एलसीएम लेना है दोनों साइड, इक्वल की दोनों साइड हम लोगों ने एलसीएम ले लेना है। तो थ्री और थ्री का एलसीएम तो थ्री ही होगा, तो थ्री और थ्री के एलसीएम को हम थ्री ही लिख लेंगे, ठीक है। सो थ्री जब थ्री पे डिवाइड होगा, एलसीएम एलसीएम पे डिवाइड होता है, जो आंसर आता है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स माइनस थ्री के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन, क्योंकि थ्री डिवाइडेड बाई थ्री आंसर क्या है, थ्री ही आया, तो हम उसी तरह डिवाइड करेंगे। प्लस टू और टू के साथ भी वन मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि थ्री डिवाइड बाई थ्री आ गया। अब यहाँ का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि थ्री और टू का पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। तो टू थ्री एज इट इज वन, फिर थ्री वन और वन, तो ये आ रहा है जी टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स। तो क्या एलसीएम आ रहा है हमारे पास, सिक्स एलसीएम आ रहा है, ठीक है। अब जो एलसीएम आता है ना वो इस पर डिवाइड होता है, असल कॉन्सेप्ट डिवाइड होता है, लेकिन आप एक शॉर्टकट फॉर्म याद रख लें, वो ये कि आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आ जाएगा जी टू फोर एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन, ठीक है। टू को मल्टीप्लाई कर दिए फोर एक्स माइनस थ्री के साथ, थ्री को मल्टीप्लाई कर दिया सेवन के साथ, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक्स माइनस थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, ब्रैकेट ओपन कर दी क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई, वही ये टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा और टू इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो टू फोर जार एट एक्स माइनस टू थ्री जार सिक्स प्लस थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्टूडेंट्स के x माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल्स टू एट एक्स माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन। सो ये आ जाएगा आपके पास एट एक्स माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन, सो बड़ी वैल्यू का साइन आएगा प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट स्टेप इज के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड। हम लोगों ने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब आपके पास कभी भी दो फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए ना, दो फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर एट एक्स डिवाइडेड बाई थ्री आ रहा है और इक्वल्स टू टू एक्स डिवाइडेड बाई वन आ रहा है, जस्ट आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि एट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ और टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ, ठीक है। सो इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहां से एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स के साथ, ठीक है, और एट एक्स प्लस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ। सो हम लिखते हैं सिक्स, ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री और एट एक्स प्लस फिफ्टीन, ये चीज आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इसको भी सेम लाइक जैसे ये मल्टीप्लाई किया था टू को दोनों के साथ, इसी तरह सिक्स को भी दोनों के साथ और थ्री को भी दोनों के साथ। सो सिक्स एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री एट जार और ट्वेंटी फोर एक्स प्लस थ्री फाइव जार फिफ्टीन जार फोर्टी फाइव आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि सिक्स एक्स वाले एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो सिक्स एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स फोर्टी फाइव प्लस सिक्स, तो सिक्स माइनस ट्वेंटी फोर करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस एटीन एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फाइव प्लस सिक्स, तो हमारे पास वन वन आ जाएगा, ठीक है, अलेवन आ रहा है ना तो प्लस कर रहा हूँ और ये फिफ्टी वन, ठीक है। सो फिफ्टी वन आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू फिफ्टी वन डिवाइडेड बाई एटीन, एटीन इधर मल्टीप्लाई होता जाएगा क्या होगा डिवाइड, और ये माइनस एक्स था तो एक्स के साथ इस पूरी इक्वेशन के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे। सो एक्स का ये आंसर आ गया हमारे पास, एक्स का क्या आ गया, ये आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि कैसे हम लोगों ने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया कि इस ब्रैकेट को इस वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म आई, एंड देन हम लोगों ने फोर एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया इस वन के साथ तो ये टर्म आ गई, ठीक है, प्लस सेवन बाई टू सेम एज इट इज उतरा है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे एलसीएम लिया तो थ्री एलसीएम था और जो एलसीएम था वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे थ्री और टू एलसीएम था तो हम लोगों ने एलसीएम लिया सिक्स, उसका एलसीएम आया तो जब थ्री को सिक्स पे डिवाइड किया तो टू आया, ठीक है, मसलन टू आया तो टू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, टू को सिक्स पे डिवाइड किया तो थ्री आया और थ्री ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। देन हम लोगों ने क्या किया कि इसके बाद इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर ली और एक्स माइनस थ्री प्लस टू आ गया और इसके बाद टू फोर जर एट एक्स आया और टू थ्री जर सिक्स आ गया माइनस सिक्स और थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन आ गया, ठीक है। देन हम लोगों ने क्या किया कि एक्स माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री आया, एट एक्स माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी वन फिफ्टीन आ गया। फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद एक्स का हमारे पास एक फाइनल आंसर आया और वो है माइनस फिफ्टी वन डिवाइड बाई एटीन।
सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को मेथड समझ आ चुका होगा। ये था सिंपल सिंपल एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। अब किसी स्टूडेंट के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, मेथड मैं इंशाल्लाह बताऊंगा समझाऊंगा। मेरा मकसद है मेथड समझाना, ठीक है। और अगर आपको किसी जगह में डाउट नजर आया हो, कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इंसान होता है उससे गलती लाजमी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है इसके बारे में, तो मैं उसको दुरुस्त को करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह की कोई आपके पास पेपर की होगी और मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीनी इजाजत, मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।